नमस्कार बच्चों, आज ये हिंदी विषय का आपका वर्कशीट नंबर 15 है, 9 अगस्त की। प्यारे बच्चों, अब तक हमने समान हिंदी पर आधारित कार्य पत्रों पर चर्चा की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो समान हिंदी पर आधारित कार्य पत्र थे उसमें हम पठित गद्यांश आता था, कोई पद्य आता था, उसमें से हम सवाल छांटते थे, उसमें से हम सवाल छांटते थे। अब जो होगा, अब आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों से कबीरदास की जी द्वारा रचित साखिया पाठ की कुछ शाखियों पर चर्चा करेंगे। अब हम जो पाठ्य पुस्तक में कबीरदास द्वारा रचित साखिया पाठ है उससे कुछ शाखियां को लेकर इसमें इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। ठीक है, साखिया जानते किसे कहते हैं? क्या होता है साखिया? दोहा। क्या होते हैं? कविता के दोहा जो होते हैं, जो पढ़ते हो, जब पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। तो आज कबीरदास जी के दोहे सुना होगा, तो वही ये दोहे इसमें लिए गए हैं। क्या है दोहा? मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर, बोल, मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, हंसा केली कराही, मुफता फल मुक्ता चुगे, मुफता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाए, अब उड़ी अनत ना जाए जाए। अब इसका क्या मतलब है, कभी क्या बताते हैं, इसके भावार्थ हैं। हंस क्या है कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये क्या है? मान सरोवर शुभ जल, मतलब जल से भरा हुआ, जल से लबालब, पूरे भरे हुए को बोलते हैं शुभर जल, जो अच्छी तरह भरा हुआ है। शुभर का मतलब क्या है? अच्छी तरह भरा हुआ। जल माने पानी से, जल माने पानी से, पानी से जो अच्छा तरह भरा हुआ है, यहाँ पर पानी से जो अच्छा मतलब मान सरोवर शुभर जल का मतलब हुआ। मान सरोवर क्या है कि झील है। मान सरोवर क्या है? झील है, जो भारत उत्तर में है या तिब्बत में और भारत के बीच में, या वो चाइना में के अंदर आ गया है। तो वो क्या है, कह रहा है शुभर जल, वहां पर पानी पूरा भरा हुआ है। हंस केली कढ़ाई, हंस हंस क्या कर रहे हैं वहां पे? खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। केली माने क्रीड़ा करना, खेली माने लिखा है यहाँ पे भी, केली माने क्रीड़ा या खेल। वो क्या कर रहे हैं हंस? हंस जानता है क्या होते हैं? हंस क्या है? एक पक्षी है, एक पक्षी का नाम है, जो मान सरोवर में पाया जाता है। ठीक है, इसी झील में पाए जाते हैं। तो वो वहां खेल कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यहाँ पर दो है मुक्ता के अंतर। मुक्ता फल मोती फल को वो चुग रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाए, अब कह रहे हैं यही हमें आनंद मिल रहा है, यही हमको फल मिल रहे हैं, यही हमको खाना पीना मिल रहा है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर कवि ने लिखा अपनी भाषा में, ये समझा रखा पूरा, कह रहा है हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस क्या कर रहे हैं? जल से भरे हुए मान सरोवर में किरणा कर रहे हैं। किरणा का मतलब क्या हुआ? खेल। क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं। वे वहां मोतियों को चुग रहे हैं। वो वहां क्या कर रहे हैं? मोतियों को चुग रहे हैं। मोती का क्या माला बताया यहाँ पे? यहाँ पर बताया ना मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोती, मुक्ता फल माने मोती, मुक्ता फल माने मोती, मुक्ता फल चुग रहे हैं। और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। अब वो कह रहे हैं अब उड़े अनंत ना जाए, अब उनके अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। अब इसका ये दोहा कबीरदास ने क्यों लिखा है? अब ये तो है नहीं कबीरदास जी मान सरोवर गए और वहां जाके उनने कविता लिखी, ये तो नहीं है। अब उन्होंने क्या लिखा, उनका ये कहने का मतलब क्या था कि हंस रूपी जीव, जीव जो है, चाहे जीव जंतु तो इंसान है, कोई भी जीव है, अगर वो हंस के रूप में उनने उसको सोचा है, उन्हें हर जीव को क्या मान रखा है, माना हंस माना। ठीक है, और मान सरोवर रूपी ईश्वर,
ईश्वर को क्या माना, मान सरोवर। ईश्वर को क्या माना, मान सरोवर का स्मरण में, उनके स्मरण में अगर वो रम जाता है, जैसे ये कहाँ रम गए, ये मान सरोवर में रम गए, हंस कहाँ रम गए, मान सरोवर में। तो आदमी से भी कह रहा है कि तुम भी हंस की तरह किस में रम जाओ, ईश्वर में रम जाओ। तुम्हारा मान सरोवर क्या है, तुम हंस हो, और तुम्हारा मान सरोवर क्या है, भगवान है, ईश्वर है। तो उसको उसी में आनंद मिलने लग गया, और तुम्हारे को जैसे उसको वहां मोती में आनंद मिल गया मान सरोवर में, जैसे हंस को मोती में आनंद मिल गया मान सरोवर में, तुमको भी ईश्वर में आनंद मिलना लग जाएगा। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतिया है, और तुम ईश्वर का स्मरण करना ही तुम्हारे लिए क्या है, जैसे हंसों के लिए मोतियां हैं वहां मान सरोवर में, तुम्हारे लिए ईश्वर में ईश्वर का नाम लेना मोती के बराबर है, चुगने के समान है। और उसमें अन्यत्र जा, और तुम अगर ये कर लेते हो, जैसे हंसों को वहां से अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पड़ रही है वो वही है, तो वैसे ही तुमको फिर अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। हंस कहाँ, केवल वहीं पाए जाते हैं मान सरोवर में। ठीक है, तो ये है आपका जो कबीरदास जी का पहला दोहा था। अब कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है अब यहाँ पर प्रेमी का मतलब क्या है, प्रेमी मतलब भगवान से प्रेम करने वाला। कबीरदास जी तो भगवान के भक्त थे ना, निरंकार भगवान को मानते थे वो, निराकार भगवान के वो थे, तो अनुयायी थे। तो वो उन्होंने एक अलग पंथ चलाया, तो जैसे सूरदास तुलसीदास साकार के थे, तुलसीदास उनके थे रामचंद्र जी के भक्त थे, सूरदास कृष्ण भगवान के भक्त थे, और ये कबीरदास क्या थे, निरंकार। वो कहते भगवान कोई नहीं है, एक काल्पनिक है, उनका कोई आकार नहीं है। तो अब वो तो अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं किसकी प्रेमी की बात कर रहे हो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, मैं एक ऐसे प्रेमी को ढूंढने निकला जो भगवान से प्रेम करता है। ऐसा प्रेमी का मतलब क्या है, भगवान से प्रेम करने वाला। प्रेमी मिला ना कोई, मेरे को ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिला जो भगवान से प्यार करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी कौन सा प्रेमी, जो भगवान से प्यार करने वाले को अगर भगवान से प्यार करने वाला मिल जाए, भगवान से प्यार करने वाले को अगर भगवान से प्यार करने वाला मिल जाए, तो सब विष अमृत हो। तो जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी वो हैं गलत चीजें हैं, वो क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे। तो इसमें ये क्या समझा रहा है भावार्थ, ये समझा रहा है परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैंने बताया ना प्रेमा, वो किसको खोज रहे, परमात्मा के प्रेमी को, परंतु कोई प्रेमी मुझे नहीं मिल रहा है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाए, ईश्वर से प्रेम करने वाले को कोई दूसरा ईश्वर से प्रेम करने वाला मिल जाए, तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाएगा। फिर जो ये वासना है, जो लोभ है, जो मोह है, ठीक है, वो क्या, जो गुस्सा है, जो दुख है, जो चिड़चिड़ापन है, ये सब क्या किसमें बदल जाएगा, अमृत में बदल जाएगा, खुशी में बदल जाएगा। तो बच्चों अब इसमें कुछ क्या है, यहाँ पे ये है अपरिचित शब्द है, जो तुमको कठिन शब्द कहते हैं जिनको कठिन, जैसे इसमें क्या है, मान सरोवर। मान सरोवर तुमने सुना है कहाँ है, मान सरोवर पर्वत में, हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है। मान सरोवर हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है। अब है इसमें सुभर, सुभर का मैंने क्या बताया था, अच्छी तरह भरा हुआ, अच्छी तरह भरा हुआ पानी से। और केली, केली माने क्या बताया था, किरणा खेल, किरणा है, ठीक है, केली का मतलब किरणा खेल। और मुफत फल को क्या बताया था, मोती, मुफत फल को क्या बताया था, मोती। तो ये है, अब इसमें कुछ वो है वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, ये तो वर्ड मीनिंग थे, आप क्वेश्चन देने, आंसर देने, इनके उत्तर देने हैं। अब इसमें पहला शुभर जल से क्या तात्पर्य है, इसमें से साधना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। शुभर जल का क्या बताया था, अभी मैंने बताया था, हाँ इसका ख होगा जल से भरा हुआ, इससे जल से पूरी तरह भरा हुआ, तो इसका होगा ख। अब है हंसा किसका प्रतीक है, यहाँ पर हंसा को किसका प्रतीक माना, पक्षी का प्रतीक, पक्षी तो है ही, पर प्रतीक किसका माना, हंसने का, ईश्वर का, जीवात्मा का, किसका माना, हाँ भगवान का प्रतीक तो उसको माना,
किसको? हाँ, भगवान का प्रतीक माना सरोवर को, ठीक है, और मोती का प्रतीक माना भगवान के नाम को। अब है यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष से किसका तात्पर्य है? बुराइयों का, ठीक है, विष से किसका तात्पर्य है? बुराइयों का। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? प्रेमी किसको कहा गया है? प्रेमी ईश्वर से प्रेम करने वाले को कहा गया, ईश्वर प्रेमी को प्रेमी कहा गया है। किसको कहा गया है? ईश्वर प्रेमी को प्रेमी कहा गया है। और मानसरोवर से क्या आशय है? मानसरोवर क्या है? मानसरोवर का उत्तर इसी में दिया है बच्चों। ये जो मानसरोवर का मीनिंग आपको बताया था, इसमें है, मानसरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र झील है, मानसरोवर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब इसमें एक और है अपने, जो अगला है इसमें, इसमें आपको ये करना है, गूगल मैप से मानसरोवर को ढूंढना है। गूगल मैप से मानसरोवर को ढूंढना है आपको। तो आप कैसे ढूंढेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, इसको शेयर करेंगे इसके सर्च इंजन को। हाँ, इसका सर्च इंजन ये है, ये कहाँ पर सर्च इंजन? ये आया सर्च इंजन, देखो ये आया ना, ये आया सर्च इंजन। यहाँ पर हमको क्या करना है, मानसरोवर ढूंढना है गूगल मैप में। तो गूगल मैप मान सरोवर इन गूगल मैप। अब ये हमने यहाँ पर सर्च इंजन डाल दिया, अरे ये तो टाइप ही नहीं कर रहा है। मान सरोवर इन गूगल मैप, तो इसको आप सर्च करो गूगल मैप में मानसरोवर। अब देखो कहाँ है मानसरोवर, अब ये कहाँ, लेक मानसरोवर, ये दिखा दिया, ये मानसरोवर दिखा दिया इसे। तो ये बहुत बड़े रूप में दिया, अगर अब हम इसमें इंडिया को देखना है तो ये है बच्चों मानसरोवर लेक, राक्षस ताल, ये देखो ये इसके कहाँ है, पश्चिम में राक्षस ताल है। और ये पश्चिम मतलब इसका पश्चिम, हाँ, जो हमारा एरिया है इसके दक्षिण में पड़ता है, इंडिया इस साइड पड़ेगा इंडिया, और पश्चिम मतलब ये तिब्बत की तरफ समझ लो इसको, राक्षस काल है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके देखूँ, थोड़ा सा और इसका वो करूँ, डिटेल में देखूँ तो शायद क्लियर है। हाँ, ये देखो ये मैप इसका आ रहा है, ये थोड़ा सा अगर हम इंडिया के मैप में इसको दिखाएं तो ये है आपका, ये नेपाल है, नेपाल से ऊपर है ये। और जब मानसरोवर यात्रा होती है तो ये हमारे उत्तराखंड से होते हुए, कुमाऊं से होते हुए यहाँ से चाइना के अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ मानसरोवर है। और जो अभी वेस्ट में दिखा रहा था, इधर राक्षस ताल है, या और इधर ही कैलाश पर्वत भी है इसके। ये अगर हम देखें इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, और छोटा कर दे, इसमें ये आ गया इंडिया का मैप। तो बच्चों ये है, ये देखो इंडिया है, नेपाल के ठीक ऊपर है इसके, नेपाल के एकदम नॉर्थ में है ये मानसरोवर, और हमारे एक उत्तराखंड के एकदम ये पूरब में कह सकते हैं, उत्तराखंड के पूरब में है, और हमारे ये एकदम बॉर्डर पर चाइना में स्थित है। तो ये है गूगल मैप से अगर हमने खींचा। तो बच्चों ये था आपका, मैं एक जो क्वेश्चन आंसर है इनका, एक नीचे लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करोगे वहाँ पर डिटेल में आपको सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।